अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तान विद फरहान अली। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आए हैं मरीना क्लब, तो सोचा क्यों ना एक यहां का भी आपको व्यू दिखाएं कि मरीना क्लब नाइट व्यू किस तरह का होता है और कराची में जितनी भी प्राइवेट बोट्स हैं वो किस तरह यहाँ पर साहिल पर खड़ी होती है। तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग जानते हैं कराची में कि प्राइवेट बोट वाले जो है वो पार्क किधर करते हैं। जिस तरह गाड़ियों की पार्किंग होती है, पार्किंग प्लाजाज होते हैं, इसी तरह बोट का पार्किंग भी एक स्टॉप बना हुआ है यहाँ पे। तो अभी हम आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाते हैं और यहाँ पे जो बोट पार्क हुई हुई है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चले दिखाते हैं आपको बोट की पार्किंग। ये किस तरह से खजूर के दरख्त पे लाइट्स लगा के जो है तैयार किया हुआ है, ये देखिए, ये शेड इस तरह से दिए हुए दरख्तों पे। बहुत जबरदस्त व्यू आ रहा है और हमारा चांद माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आपको दिखाते हैं हम पार्किंग एरिया। तो दोस्तों ये है वो पार्किंग एरिया जहाँ पे प्राइवेट बोट्स जो हैं वो पार्क की जाती हैं। मरीना क्लब की पार्किंग कहलाती है ये। और यहाँ पे एक डॉक बना हुआ होता है जहाँ पे आपको जब बैठना होता है तो आपकी बोट जो है वो डॉक्स पे जाके लगती है और वहाँ से जो है सवारी को अपलोड करके फिर ये समंदर में लेके जाती है। यहाँ से जो है ये समंदर का रास्ता जा रहा है सीधा समंदर की तरफ, ठीक है। तो ये है कराची का वो एरिया जहाँ पे जो कराची के लैंडलॉर्ड पार्टीज़ हैं वो अपनी प्राइवेट बोट्स, खूबसूरत बोट्स आप देख सकते हैं पार्क करते हैं। ये देखिए ये हैं प्राइवेट बोट्स जो यहाँ पे पार्क हुई हुई हैं और इसके साथ ही इधर का खूबसूरत नज़ारा ये देखिए। ये हमारे भट्टी साहब हैं जो इंजॉय कर रहे हैं मौसम को और इस लोकेशन को। कैसे हैं भट्टी साहब? करम है अल्लाह का सर। अच्छा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एंजॉय करने आए हम। क्या करने आए? एंजॉय करने आए जी। क्या एंजॉय कर रहे हैं? बस ऐसे तफरी वफरी कर रहे हैं। कैसी तफरी? इस उम्र में कितनी उम्र है आपकी? 63 साल। 63 साल में तफरी करता है कोई जी? हैं? किस तरह की तफरी कर रहे हो? बस लड़कियां देख। इधर कौन सी लड़की दिख रही है चचा तुम्हें? इस उम्र में लड़कियां देखो कोई शर्म नहीं आती? बस अरबान भाई कह रहे हैं। एक छिलके पे एक गड्ढे पे पाँव में लड़कियां देख रहे हो हैं? जी बस। चलो चलो एंजॉय करो, देखो देखो जो देखने आए हो वो देखो। और हमारे साथ यहाँ पे रबान भाई भी है। रबान भाई क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपके साथ आए तफरी के लिए। तफरी कर रहे हैं? भट्टी साहब तो जो है भट्टी साहब तो किसी और काम से आए, बोलने में देखने आया हूँ। भट्टी साहब की उम्र है सर, हम लोग ने कर लिया ना ये, आप क्या करना। ठीक है जी। और हमारे साथ यहाँ पे है करण। करण बेटा कैसा व्यू है? बहुत बेहतरीन व्यू है और बहुत खूबसूरत नजारा है यहाँ का। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। और ये जगह भी बहुत हंसी क्यों आ रही है? रबान भी हंसा रहे हैं। बस बहुत जबरदस्त व्यू है यहाँ का और बहुत बेहतरीन जगह है। बहुत बेहतरीन जगह है भाई, जबरदस्त। और हमारे साथ जफर भाई भी आए हुए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ये। काम करते हैं तो जो ऑर्डर मिलता है वो काम करते हैं, क्या बात है। लेकिन ऑर्गेनाइज बड़ा प्यारा करते हैं। और हमारे साथ कामरान भी हैं, आज बड़ा चुप चुप है, खामोश है, इनको लग रहा है भूख बहुत ज्यादा लग रही है। आज पानी की बोतल इन्होंने खत्म कर दी है दो और तीसरी हाथ में लेके खड़े हुए हैं। पहली है? अच्छा ओके। ये देखिए ये है मरीना क्लब की बोट जो कि डिनर बुफे वगैरह के लिए आपकी प्राइवेटली बुक होती है और आपको समंदर में ले जाके जो है वो डिनर करवाती है। तो ये अभी आ रही है और इसमें लोग भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। नहीं भाई यार, 5 मिनट के इधर
ये देखिए जी, ये है मरीना क्लब की बोट जो कि डिनर के लिए समंदर में लेके जाती है। दोस्तों ये था यहाँ का एक खूबसूरत नज़ारा जो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट जो हमेशा होती है, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। तो मेरे दोस्तों इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।